दुनिया जहान में इस हफ्ते। क्या अफगानिस्तान अपनी चरमपंथ की समस्या से निपट पाएगा? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। साल 2023, नए साल का पहला दिन और सुबह 8 बजे राजधानी काबुल का सैन्य हवाई अड्डा एक जबरदस्त बम धमाके से दहल गया। हालांकि ये इलाका कंक्रीट की दीवारों और कटीली तारों से सुरक्षित है, फिर भी ये हादसा हुआ। 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। चरमपंथी हमलों के जरिए सत्ता में लौटने वाले तालिबान को खुद अब ऐसे चरमपंथी हमलों से निपटना है। तो इस हफ्ते हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तालिबान अपनी जमीन पर चरमपंथ की समस्या का हल निकाल पाएगा। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, सत्ता में वापसी। हमारी पहली एक्सपर्ट हैं मदीहा फैसल, जो ब्रुकिंग संस्थान में विदेश नीति कार्यक्रम में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं। वो तालिबान के पहले शासन के बारे में कहती हैं। The Taliban is a hardline Islamist fundamentalist group. तालिबान पहली बार 1996 में सत्ता में आया था, जब 1980 के दशक में हुए अफगानिस्तान और रूस के युद्ध के बाद देश की सत्ता में खौफ पैदा हो गया था। सत्ता में आने के बाद उसने अफगानिस्तान में इस्लामी शरिया कानून को पुरातनपंथी दमनकारी अर्थ में बड़ी क्रूरता के साथ लागू किया था और 5 साल तक सत्ता में रहा था। तब उसने महिलाओं पर कई नियंत्रण लगा दिए थे, उन्हें शिक्षा पाने और दफ्तरों में काम करने से भी रोक दिया था। इतना ही नहीं, तालिबान ने देश में संगीत, सिनेमा और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तालिबान के सख्त कानून और सजा की पूरी दुनिया में भर्त्सना हुई। मदीहा फैसल कहती हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तालिबान और अफगानिस्तान अलग अलग पड़ गए थे, लेकिन 3 देशों ने उसे मान्यता दे दी। ये देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मगर अक्टूबर 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, क्योंकि 9/11 के हमलों को अंजाम देने वाला गुट अलकायदा अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में सक्रिय था। चंद हफ्तों में ही तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बाहर कर दिया गया। उसके बाद वहां अमेरिका के समर्थन वाली उदारवादी सरकार का गठन हुआ। मदीहा फैसल बताती हैं, नए प्रशासन के तहत लड़कियां दोबारा स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने लगी, नौकरियां करने लगी, उन्हें कुछ आजादी मिली, अधिकार मिले, मगर तालिबान खत्म नहीं हुआ था, जिसने अपने आप को दोबारा संगठित किया और जोरदार विद्रोह शुरू कर दिया। सत्ता हथियाने के लिए अमेरिका, नेटो और अफगानिस्तान की सेना पर हमले शुरू कर दिए। फरवरी 2020 में, यानी युद्ध की शुरुआत के 19 साल बाद, तालिबान ने सबको चौंकाते हुए दुनिया की महाशक्ति के साथ कतर के दोहा शहर में मंच साझा किया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अधिकारियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में तीसरा पक्ष यानी अफगान सरकार शामिल नहीं थी। ये इस समझौते की बड़ी खामी थी। इसके तहत अमेरिका ने माना कि वो मई 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेगा। 15 महीने का ये टाइम टेबल बहुत छोटा था और बदले में तालिबान ने कोई ठोस वादे नहीं किए, बल्कि ढुलमुल शब्दों में ये कहा कि वो अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। यानी तालिबान जो चाहता था सब उसे मिल गया। बाद में 2021 में बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के दौरान हुए समझौते को स्वीकार करते हुए कहा कि अगस्त 2021 तक अमरीका की सेना अफगानिस्तान से वापस बुला ली जाएगी। इस घोषणा से तालिबान के हौसले और बुलंद हुए और केवल 10 दिन के भीतर उसने पूरे देश पर धावा बोल दिया। 15 अगस्त 2021 तक राजधानी काबुल पर उसने कब्जा कर लिया। सत्ता में आने के फौरन बाद वो अपने कई वादों से मुकर गया,
जिसमें लड़कियों के लिए शिक्षा शामिल थी। मदीहा फैसल बताती हैं कि एक बात और सामने आई है कि काबुल में प्रशासन चलाने वाले नेताओं को राजधानी से कई किलोमीटर दूर कंधार में बैठे रूढ़िवादी कट्टरपंथी तालिबानी नेताओं के आदेश पर काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनके 1996 के शासन और वर्तमान शासन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक बार फिर से तालिबान के शासन के तरीके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भर्त्सना हो रही है। पिछली सरकार के कई तरक्की पसंद फैसले पलट दिए गए हैं। मदीहा फैसल कहती हैं कि लड़कियों के स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर और दफ्तरों में नौकरी करने पर रोक लगा दी गई है। क्रूर सजाएं जैसे कोड़े बरसाना या फिर सार्वजनिक तरीके से मृत्युदंड देना दोबारा शुरू हो गया है। रोजमर्रा का जीवन तालिबान प्रशासन से कैसे प्रभावित हुआ है, जानेंगे अपनी दूसरी एक्सपर्ट से। पार्ट टू, एक पंख पर उड़ने वाला पक्षी। I'm Roya Musavi. I'm a journalist. मेरा नाम रोया मुसावी है। मैं पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। मैंने कई सालों तक अफगानिस्तान में काम किया है। देश छोड़कर भागने से पहले मैं अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी की प्रवक्ता थी। तालिबान के सत्ता में आने के हफ्ते बाद मैं अफगानिस्तान से भाग निकली थी, लेकिन उस एक हफ्ते में मैं कभी भी सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर था कि वो आकर मुझे मार डालेंगे। मैं मीडिया में काम करती थी। मैंने उनके बर्ताव की और मानवाधिकार उल्लंघनों की काफी आलोचना की थी। वो बहुत ही डरावना समय था। तालिबान शासन में काम करना असंभव था, इसलिए मेरे पास देश छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था दशकों लंबे युद्ध के परिणाम को भुगत रही है। वहीं कड़ाके की ठंड, सूखा और बड़ी तादाद में लोगों के विस्थापन की वजह से मानवीय संकट और गहरा हो गया है। Everyday life for the people in Afghanistan. आम अफगान लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। व्यक्तिगत आजादी खत्म हो रही है और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि सारी ताकत तालिबान के पास है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि महिलाओं को काम करने से रोकने से ही अर्थव्यवस्था को सालाना $1 अरब का नुकसान हो रहा है। And the long-term impact is इसका दीर्घकालिक परिणाम यह होगा कि लोग देश छोड़कर भागने लगेंगे, क्योंकि लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। समाज के एक हिस्से को तालिबान ने बेकार कर दिया है। पंक्षी एक पंख पर तो नहीं उड़ सकता। फिलहाल सभी लोग तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चों को अधिक मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले अफगानिस्तान कोई जन्नत था, लेकिन फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। लेकिन तालिबान के आने के बाद वह सब बदल गया। दिसंबर 2022 में सभी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के महिलाओं को नौकरी पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं को सहायता देने का काम करने वाली कई संस्थाओं को अस्थायी तौर पर अफगानिस्तान में अपने काम को रोकना पड़ा। इन फैसलों के खिलाफ महिलाओं के नेतृत्व में कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन तालिबान उसे फौरन ही कुचल देता है। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। People try to stand up against them, but it's very difficult to stand. लोग तालिबान के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन वे उससे लड़ नहीं सकते। वो एक चरमपंथ गुट है जो बरसों से लड़ता रहा है और हजारों लोगों की हत्या कर चुका है। आम लोग तो निहत्थे हैं। तालिबान के पास हथियार हैं, वो जो चाहे कर सकता है। सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण तो है, लेकिन समस्याएं भी बड़ी हैं। पार्ट थ्री, ISK से खतरा। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं अफसंद यार मीर, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनका मानना है कि ISK तालिबान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। इस्लामिक स्टेट या कहें इस्लामिक स्टेट खोरासन इराक और सीरिया के इस्लामिक स्टेट का ही हिस्सा है। दुनिया में ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे ISIS या ISIL। जून 2014 में इसने इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों में इस्लामिक स्टेट या इस्लामिक खलीफा शासन की घोषणा कर दी थी, मगर इसका लक्ष्य ऐसा शासन इराक या फिर सीरिया में स्थापित करने तक ही सीमित नहीं था। यह गुट इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए बड़े पैमाने पर हत्याओं की वकालत करता है। इसका मकसद पाकिस्तान की सरकार गिराना भी रहा है। वहीं यह शिया बहुल ईरान को भी सजा देना चाहता है। दूसरा, यह अफगानिस्तान में तालिबान के जिहादी अभियान को खत्म करके अपने हाथ में लेना चाहता है।
साथ ही यह शिया और हजारा अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि उसके अनुसार इन समुदायों ने देश को भ्रष्ट किया है। एक साल बाद 2015 में अफगानिस्तान में भी इस गुट की स्थापना हो गई। असफंद यार मीर कहते हैं कि आईएसआईएस अपने आप को इस्लामी खलीफा शासन का केंद्र मानता है और पूरी दुनिया में मुसलमानों की राजनीतिक दिशा तय करना चाहता है। आईएसके और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं और इस्लामी विचारों को लेकर उनमें मूलभूत मतभेद हैं। आईएसआईएस सलाफी विचारधारा को मानता है और अपनी मूर्ति पूजा विरोधी सोच पर बल देता है और अपनी विचारधारा को तालिबान के मुकाबले पूरी तरह शुद्ध मानता है। दूसरी तरफ तालिबान सुन्नी हनफी विचारधारा का अनुसरण करता है, जो कि ISIK के अनुसार नाकाफी है और वो उसे सैन्य शक्ति से हटाना चाहता है। साथ ही वो तालिबान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों की भी आलोचना करता है, खास तौर पर उसके अमेरिका के साथ संबंधों की। जब जब तालिबान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, ISK ने उसके खिलाफ आलोचना तेज करके तालिबान पर दबाव बढ़ा दिया है और यह प्रचार किया कि तालिबान काफिरों के साथ समझौता कर रहा है। ISK ने कई बड़े हमले किए हैं। असफंद यार मीर कहते हैं कि अब तक वो हिट एंड रन यानी गुरिल्ला हमले की रणनीति अपनाते हुए लगते हैं, जो तीन तरह के हैं। उसने छोटे हिट एंड रन हमलों के साथ साथ बड़े आत्मघाती हमले किए हैं। उन्होंने तालिबान को निशाना बनाया है। वहीं उसने अफगानिस्तान से बाहर पाकिस्तान में, जहां कई तालिबान नेता पिछले कुछ सालों से रहते रहे हैं, वहां भी हमले किए हैं। इसके अलावा उसने अल्पसंख्यक समुदायों पर बड़े भीषण हमले किए हैं, जिसमें अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड और लड़कियों के स्कूलों को निशाना बनाया गया। उनका तीसरा निशाना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय रहा है। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ रही थी, तब उसने काबुल हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक और अफगान लोग मारे गए थे। ISK ने कूटनीतिक जगहों को भी निशाना बनाया है। सितंबर 2022 में रूसी दूतावास पर एक आत्मघाती बम हमला किया गया। कुछ महीने बाद पाकिस्तानी दूतावास पर गोलियां बरसाई गईं। वहीं उसने तालिबान की सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करके ये संदेश दिया कि उसकी वहां तक पहुंच है। काफी समय तक तालिबान ISK की चुनौती को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उसकी तरफ से बढ़ते खतरे के बावजूद तालिबान को उसके खिलाफ कोई खास सफलता नहीं मिली है। ISK के नेता शाह अबुल मुजाहिर कई सालों से अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, लेकिन तालिबान उन्हें या फिर किसी और वरिष्ठ ISK कमांडर को निशाना नहीं बना पाया है। पार्ट 4, एक अंतर्राष्ट्रीय दुविधा। हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं डेनियल बायमन, जो आतंक विरोधी सुरक्षा तंत्र के विशेषज्ञ हैं और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि तालिबान के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो ISK जैसे चरमपंथी गुट पर लगाम लगाना और दूसरी आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाना, जो उन्हें पिछले 20 सालों में मिल रही थी। जनता चाहती है कि प्रशासन इससे बेहतर हो सकता है। तालिबान को लगता था कि देश में सुरक्षा कायम करना आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ISK एक वृहद चरमपंथी नेटवर्क का हिस्सा है, तो क्या उससे निपटने के लिए तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मिल सकती है? बृहद आतंकवादी नेटवर्क अब उतना ताकतवर नहीं रहा है जितना वो 2015 में था, जब ISK की स्थापना हुई थी। इसलिए उनसे पैसा या हथियार हासिल करने की ISK की क्षमता अब कमजोर हो गई है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का लक्ष्य है कि उस बृहद आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर रखा जाए। मगर यही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी तालिबान सरकार को कानूनी मान्यता देने को तैयार नहीं है।
ISK की मौजूदगी से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये दुविधा जरूर है, मगर सभी मानते हैं कि ये गुट अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों को निशाना बना सकता है और बाहर दूसरे देशों पर भी हमले कर सकता है। वहीं वो ये भी सोचते हैं कि कई संगठन तालिबान से बदतर हैं, लेकिन तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधों का कड़वा इतिहास भी एक बाधा है। कई देश ISK का विरोध करने के बावजूद तालिबान से करीबी संबंध नहीं बनाना चाहेंगे। अपने राष्ट्रवादी राजनीतिक एजेंडा की वजह से तालिबान भी दोबारा अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर नहीं दिखना चाहता। जब तालिबान अमेरिका और अफगान सरकार से लड़ रहा था, तब वो अफगान सरकार की इस बात पर आलोचना करता था कि वो सत्ता में रहने के लिए अमेरिका पर निर्भर है। अगर तालिबान भी उसी तरह की निर्भरता दिखाएगा तो उसकी साख और गिर जाएगी। तो क्या तालिबान अपनी घरेलू चरमपंथ की समस्या को हल कर सकता है? कई सालों तक तालिबान का विद्रोह जितना ताकतवर था, उसके मुकाबले ISK बहुत ही कमजोर है और संभवतः और भी कमजोर हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान में गरीबी, भुखमरी और मानवाधिकार उल्लंघनों की समस्या अभी भी मुंहबाए खड़ी है।